सर्किल को ड्रा करने के लिए पहले हम लोग मेनू में जाएंगे। मेनू में से सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सर्किल को लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सेंटर रेडियस के द्वारा सर्किल बनाने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, पहले हम लोग सेंटर रेडियस के द्वारा सर्किल बनाएंगे। कमांड में यहाँ पर चल गया स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में आप कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं और जिस जगह में आपको सर्किल बनाना है उस पर जाके लेफ्ट क्लिक करें। उसके बाद हम लोगों को सब पहले रेडियस के द्वारा सर्किल बनाना है, तो इसमें आर टाइप करेंगे। उसके बाद फिर हम सर्किल का रेडियस 50 इंटर कर देते हैं, तो ये 50 मीटर रेडियस का एक सर्किल तैयार हो गया। इसको रेडियस का मेजरमेंट देखने के लिए डायमेंशन में जाएंगे और रेडियस है उस पर लेफ्ट क्लिक करें, फिर सर्किल को जाकर सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर ये 50 मीटर रेडियस का सर्किल तैयार हो गया है। फिर सेंटर डायमीटर पर सर्किल बनाने के लिए यहाँ पर जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे और सेंटर और डायमीटर है उस पर जाके सर्किल बनाएंगे। सर्किल का स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है या कोऑर्डिनेट देना है। डायमीटर के लिए डी देंगे। अब यहाँ पर डायमीटर के लिए हम 80 मीटर डायमीटर का सर्किल बनाते हैं। 80 मीटर डायमीटर का सर्किल बन गया। इसको मेजरमेंट करने के लिए डायमेंशन में जाएंगे और डायमीटर को क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्किल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डायमीटर का जो ये है 80 मीटर ये डायमीटर है इस सर्किल का, वो ये 80 शो कर रहा है, इसका अलग सिंबल है, रेडियस में आर रहता है। तीसरे तरह का सर्किल ड्रा करने के लिए टू पॉइंट्स हमको लेना होगा। तो यहाँ पर हम दो को पॉइंट्स जो एक अपना एक कोऑर्डिनेट पर है दोनों पॉइंट, उसको ड्रा किया। तो इसको टू पी सर्किल ड्रा करने के लिए सबसे पहले कमांड में यहाँ पर टूपी सर्किल ड्रा करने के लिए कमांड में यहाँ पर हम लोग तो इसको ड्रा करने के लिए यहाँ कमांड में हम लोग पहले टूपी टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर देंगे। उसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट डालेंगे। इसका कोऑर्डिनेट है 100x 100y। उसके बाद इंटर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालेंगे, 200 है x और 200y। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो सर्किल जो बना है ये दोनों पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसका रेडियस देखने के लिए हम लोग डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस पर देख लेंगे। इसका रेडियस आपको दिखाई दे दिया, 70.7107। नेक्स्ट हम लोग 3 पॉइंट के द्वारा सर्किल कैसे बनेगा इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर सर्किल कमांड लिख दे सकते हैं, सर्किल कमांड को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर 3P टाइप करेंगे। उसके बाद इंटर डालेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो 3 पॉइंट सर्कल बनाने के लिए पहले 3 पॉइंट्स आपको ड्रा करना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स ड्रा किए हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को इसको पर जाकर लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट कमांड में सेकंड पॉइंट मांग रहा है तो सेकंड पॉइंट को क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट मांग रहा है तो यहाँ पर जाकर थर्ड पॉइंट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट से सर्किल है जो गुजर रहा है। 3 पॉइंट से सर्किल आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 2 टेंजेंट लाइन से सर्किल कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 टेंजेंट लाइन को ड्रा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्किल कमांड लेते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और सर्किल और टेन रेडियस टच करते हैं। फिर सर्किल का ड्रा कैसे होगा इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले 2 टेंजेंट लाइन को ड्रा करना है। टेंजेंट लाइन मतलब पॉली लाइन को ड्रा करना है। अब इसको सर्किल से कैसे टेंजेंट लाइन को टच करते हुए एक सर्किल बनाना है तो इसके लिए फिर सर्किल कमांड में जाएंगे, TTR यहाँ पर कमांड में टाइप करेंगे। ऑब्जेक्ट फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पर क्लिक कर दिए, सेकंड टेंजेंट यहाँ पर, और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्किल खुल रहा है तो यहाँ पर हम लोग 100 इंटर कर दिए तो एक दिखे जो ये सर्किल बना है उसमें 2 टेंजेंट लाइन सर्किल को टच करते हुए गुजर रहा है। लास्ट में हम लोग 3 टेंजेंट लाइन से सर्किल कैसे बनेगा इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले 3 टेंजेंट लाइन आपको बनाना है, उसके बाद सर्किल में जाके सर्किल को क्लिक करेंगे और सबसे नीचे 10 10 10 है। इसके बाद फिर यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट सेकेंड 10 टेंजेंट एंड लास्टिंग 10 टेंजेंट। तो यहाँ पर एक 3 टेंजेंट लाइन के पास करते हुए एक सर्किल बन गया है। तो आज आप लोग सर्किल कैसे बनता है इसके बारे में सीखें।